वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं नंदी वर्मन। मूवी की शुरुआत प्रशांत नाम के एक आदमी से होती है जो कि आधी रात को सभी से छुपकर हनुमंतापुरम गांव में आ जाता है। उसके पास इस गांव का एक नक्शा भी होता है जिसमें इस गांव के पहाड़ी इलाके में मौजूद एक जगह पर निशान लगाया गया है और ऐसा लग रहा है कि प्रशांत यहां पर कुछ ढूंढने के लिए आया हुआ है। वो नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते हुए उस निशान वाली जगह पर आता है और वहां पहुंचकर प्रशांत मेटल डिटेक्टर से जमीन की तलाशी करने लग जाता है। तभी एक जगह पर उसका मेटल डिटेक्टर बजना शुरू हो जाता है। अब ये देखकर प्रशांत को लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां पर उसको कोई चीज मिलने वाली है, मतलब जिसकी तलाश में वो यहां पर आया था। लेकिन तभी आसपास का माहौल बदलने लग जाता है। अब इससे पहले कि प्रशांत कुछ सोच समझ पाए, कोई अदृश्य शक्ति वहां आकर उस पर हमला कर देती है जिसके पास ऐसी अद्भुत तलवार होती है कि वो किसी की जान लेने के बाद ही दिखाई देती है। उससे पहले कोई भी उस तलवार को नहीं देख सकता। अगले सीन में हम आर्कियोलॉजी की एक स्टूडेंट नीला को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रोफेसर वॉस की रखी हुई एक मीटिंग में आती है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर चक्रवर्ती भी मौजूद होते हैं। वो वहां पर आए सभी स्टूडेंट्स को बोस के अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि पिछले महीने बोस और उनकी टीम ने हनुमंतापुरम में पल्लव डायनेस्टी के कई सारी मूर्तियों की खोज की। उनका मानना है कि वहां पल्लव डायनेस्टी का सबसे बड़ा और खास मंदिर अभी भी मौजूद है जिसे तलाशना भी बाकी है। मुझे उम्मीद है कि बोस अपनी टीम के साथ उस मंदिर की खोज कर लेंगे। अब उसके बाद बोस नीला और बाकियों से कहता है कि मैंने आपको यहां मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है ताकि हम सब मिलकर पल्लव डायनेस्टी की जानकारी निकाल पाए। वो उन्हें पल्लव डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि करीब 1000 साल पहले की बात है, पूरे भारत में ताकतवर लोगों ने अलग अलग राज्य पर अपना कब्जा शुरू कर दिया था जिसमें लाखों लोगों की जाने गई और कितनों को तो जीत भी हासिल हुई। उन्हीं में हनुमंतापुरम गांव भी शामिल था जहां पल्लव डायनेस्टी का राज था। उनके पास ताकत और पैसों की कोई कमी नहीं थी, सभी उनसे डरते थे क्योंकि हनुमंतापुरम को चलाने वाला पल्लव डायनेस्टी का राजा नंदीवर्मन था। उसके पास ऐसी तलवार थी जो कि बिजली की रफ्तार से भी तेज चलती थी जिसे कोई तभी देख सकता था जब तक कि वो किसी की जान न ले ले। इसलिए कोई भी हनुमंतापुरम पर कब्जा करने की सोचता तक नहीं था। लेकिन जब इसके बारे में गोरा नाम के एक आदमी को पता चला कि नंदीवर्मन इतना ताकतवर और पैसे वाला है कि उसने मंदिर की दीवारों तक को पूरी तरह से हीरे और मोतियों से बना दिया है, तो गोरे का लालच हनुमंतापुरम के प्रति बढ़ने लगा ताकि वो वहां पर कब्जा कर सके। साथ ही ये गोरा ऐसे इंसान का नाम है जो कि सबसे बड़ा बदमाश और निर्दयी था। वो कभी किसी से नहीं हारा, लेकिन तब भी उसके अंदर उस समय इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो आमने सामने नंदीवर्मा का मुकाबला कर पाए। इसलिए वो ऐसे मौके की तलाश में लग गया कि वो नंदीवर्मन पर अचानक हमला करके उसे मार पाए। उसे वो मौका भी मिल गया जब नंदीवर्मन मंदिर में मेडिटेशन कर रहा था, तभी गोरा ने उस पर हमला कर दिया। नंदीवर्मन ने भी हार नहीं मानी, उन्होंने भी गोरा के साथ बराबरी का मुकाबला किया जिसमें लड़ते लड़ते दोनों मर गए। लेकिन उनके मरते ही आकाश में इतनी तेज बारिश हुई कि वो पूरा मंदिर ढह गया जिसे नंदीवर्मन ने हीरे और मोतियों से बनाया था। और मुझे उसी मंदिर की जानकारी मिली है कि वो हनुमंतापुरम में कहां पर है, इसलिए मैं अपने सभी साथियों को वहां जाकर रिसर्च करना चाहता हूं ताकि नंदीवर्मन के बारे में और जानकारी निकाल पाऊं। अब अगले सीन में दोस्तों हम सूर्या नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक क्राइम सीन पर आता है जहां से एक आदमी की लाश बरामद हुई है और सभी का कहना होता है कि इस आदमी ने नदी में कूदकर अपनी जान दी है। लेकिन सूर्या इतना इंटेलिजेंट है कि वो लाश को देखकर ही बता देता है नहीं, इसे पहले मारा गया है और उसकी मौत को आत्महत्या दिखाने के लिए उसे नदी में फेंका गया है। अब ये सुनकर बाकी पुलिस वाले तो हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हनुमंतापुरम गांव में धर्मराज नाम का आदमी जो गांव का मुखिया भी है और पुराने मंदिरों को दोबारा से रेनोवेट करने का काम भी करता है, उसके पास काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं क्योंकि धर्मराज ने हाल ही में एक मंदिर रेनोवेट करवाया है। तभी धर्मराज के साथी को बोस का फोन आता है जिसमें वो ये कहता है कि वो अपने साथियों के साथ गांव में रिसर्च करने के लिए आ रहा है। अब ये सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं क्योंकि इस गांव का नियम है कोई भी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। यहां तक कि कोई गांव के पहाड़ी वाले इलाके में जाने की तो क्या, वहां के बारे में सोचने से भी डरता है कि कहीं कोई अपशगुन न हो जाए। लेकिन राकेश नाम का एक लड़का सभी से कहता है कि अगर वो रिसर्च करने आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, इससे हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस गांव में शाप की तरह लगी हुई है। पर उसके इतना कहते ही गांव के घर में अचानक आग लग जाती है। अब इसको देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। सभी कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर बोस और उसके साथी यहाँ पर आ गए, उन्होंने कुछ खुदाई की, तो सोचो कितना क्या होगा, पूरा गांव और यहाँ के लोग सब बर्बाद हो जाएंगे, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब जैसे ही बोस और बाकी रिसर्च की टीम वहां पर पहुंचती है, सभी गांव वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं ताकि उन्हें अंदर न जाने दिया जाए। लेकिन तब पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं कि इनके पास गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो यहां खुदाई कर सकते हैं, अगर किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वो इंसान कानूनी रूप से अपराधी माना जाएगा। ये सुनकर धर्मराज बोस और बाकियों से कहता है कि
कि अगर तुम यहाँ पर रिसर्च करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन 6 बजे के बाद तुम सभी को वापस जाना होगा। इस पर बोस और बाकी सभी मान जाते हैं। दूसरी तरफ एक नेता के गुंडों को पकड़ने की वजह से बेचारे सूर्य का ट्रांसफर हनुमंतमपुरम गांव में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसीलिए वो उस गांव में आता है जहां की हर चीज उसके लिए अनजान थी। इसलिए एक महिला कांस्टेबल सूर्य के गांव के बारे में बताते हुए उसे पूरे गांव की सैर कराती है कि इस गांव को भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है सर। यहाँ एक आत्मा भटकती है जो रात को घर से निकलने वाले लोगों को मार देती है। अब ये सारी बातें सूर्या को फालतू लग रही होती है, लेकिन तभी आसपास से उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि वो आवाजें उसे मदहोश कर रही है, जिस वजह से वो पीछे आ रही ट्रक को देख नहीं पाता। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक सूर्या को टक्कर मारता, गांव के कुछ लड़के वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं। इस चीज से तो सूर्या हैरान था ही कि अचानक ये हो क्या गया भाई। अगले सीन में बोझ और बाकी जब खुदाई का काम शुरू करने वाले होते हैं, तभी अचानक जेसीबी के आगे का हिस्सा बिना ड्राइवर के ही कुमार नाम के एक लड़के जो कि नीला का दोस्त है उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन सही समय पर साइड हो जाने की वजह से उसकी जान बचाती है। अब ये देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं अपने आप। लेकिन तभी वहाँ पर एक अघोरी आकर सभी से कहता है कि तुम सब यहाँ उस मंदिर को ढूंढकर उसका खजाना हासिल करना चाहते हो ना, लेकिन याद रहे ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ वरना पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो अघोरी भी चला जाता है। अब कुछ टाइम के बाद सूर्या बोस की रिसर्च साइट पर आता है क्योंकि उसे यहाँ की देखभाल करने का काम दिया गया है। वो इसीलिए ताकि बोस को गांव वाले उसकी रिसर्च में परेशान न कर पाए। तब वहाँ पर सूर्य की मुलाकात नीला से होती है और थोड़ी बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, जिसके बाद नीला को जमीन की खुदाई के दौरान हनुमंतमपुरम के मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। अब ये देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग वहाँ की और ज्यादा खुदाई करने लग जाते हैं, जिस वजह से उन्हें वहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियाँ और कुछ स्कल्पचर्स दिखते हैं, जिसके हिसाब से ये जगह हनुमंतापुरम ही है और जिस मंदिर को वो ढूंढ रहे हैं वो यही है। साथ ही वहाँ पर नंदीवर्मन के बारे में भी लिखा होता है कि उसने इस मंदिर को अपनी धन दौलत के बलबूते पर बहुत कीमती तरीके से बनाया है। अब ये जानकर बोझ और बाकी सभी बड़े खुश होते हैं कि वो अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अगले सीन में राकेश और उसके बाकी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां वो सभी से ये कहते हैं कि बोझ और बाकी यहाँ उस मंदिर का खजाना ढूंढने आए हैं और उन्हें वो मंदिर मिल भी गया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं गाँव में, मतलब कुछ अनहोनी। और आज तक जिस डर की वजह से हम उस पहाड़ी पर नहीं जा रहे थे, हमें लगता है कि वो सब अफवाहें हैं। हमें भी वहां जाना चाहिए ताकि उस मंदिर का कुछ खजाना हमें भी मिल सके, लेकिन बाकी लोग इसके लिए राजी नहीं होते क्योंकि वो अभी भी डरे हुए हैं। पर कहां, जब लालच आ जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। पर खजाने के लालच में इनबा नाम का राकेश का दोस्त रात को पहाड़ी वाले इलाके में चला जाता है, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश के कई सारे टुकड़े गांव को मिलते हैं। अब ये देखकर उनकी समझ में नहीं आता ये क्या है। उन्हें लगता है कि सच में गांव के मुसीबत के दिन आ चुके हैं, इसलिए वो फिर से बोझ और बाकियों को आगे की खुदाई करने से मना कर देते हैं। लेकिन सूर्य के समझाने पर मजबूरन उन्हें हार माननी पड़ती है, क्योंकि सूर्य ने उनसे वादा किया था कि जो भी इसके पीछे है वो उसे बाहर लेकर जरूर आएगा, क्योंकि सूर्य ने वादा किया था कि इस गांव में जो डर है ना उसके पीछे का कारण पता लगा कर रहेंगे हम। अब सूर्य गांव वालों से ये जानने की कोशिश करता है कि इससे पहले कौन कौन गांव में रात को बाहर निकलने की वजह से मारा गया, जरा बताओ। तो उसे प्रशांत के बारे में पता चलता है, वही प्रशांत जो मूवी की शुरुआत में मारा गया था। दोस्तों गांव वाले कहते हैं कि प्रशांत कुछ महीने पहले बोस के साथ यहाँ पर आया था, वो किसी चीज की तलाश में था, लेकिन अचानक एक रात वो मारा गया। इसीलिए सूर्या बोस के पास आकर उसे प्रशांत के बारे में पूछता है, लेकिन बोस भी उसे मना कर देता है कि मुझे भी नहीं पता प्रशांत के साथ आखिर क्या हुआ। अगले सीन में बोस की खुदाई वाली जगह का अचानक ही मौसम बदलने लग जाता है, जिस वजह से वहाँ की जमीन भी फट जाती है। ये देखकर सारे हैरान होते हैं और उनको डर भी लगने लग जाता है कि ये हो क्या रहा है। तभी सूर्य के हाथ में मौजूद मेटल डिटेक्टर भी बजना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ की जमीन ऐसे क्रैक हो जाती है कि सूर्य उसके नीचे गिर जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि किसी मूर्ति पर उसका हाथ फंस जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और फिर सारे लोग सूर्य और उस मूर्ति को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि नटराज की मूर्ति होती है। उसी ने सूर्य को यहाँ पर जान बचाई है। अगले दिन सूर्य को फोन के जरिए पता चलता है कि इनबा को किसी धारदार हथियार से मारा गया है, जिसने करीब एक माइक्रो सेकंड के अंदर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। वो भी सोचता है कि यार आज तक ऐसा हथियार तो मैंने कहीं देखा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनबा को किसने मारा, कैसे मारा। सूर्य बिल्कुल हैरान रह जाता है। अब सूर्य नीला के पास आता है और नीला उसे नंदीवर्मन और उसकी रहस्यमय तलवार के बारे में बताती है। ये जानकर सूर्य को लगता है कि शायद ये वही तलवार हो जिसने इनबा और प्रशांत को मारा। इसलिए वो ये तय करता है कि आज रात वो पहाड़ी में अकेले जाएगा, ये देखने के लिए कि इसके पीछे कोई इंसान है या फिर कोई आत्मा। लेकिन जैसे ही वो रात को उस जगह पर आता है, वहाँ कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिनके हमले का तरीका ऐसा होता है कि वो ये दिखाना चाह रहे हो कि ये भूत कर रहा है। इसीलिए अभी के लिए सूर्य अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत भाग निकलता है। अगले दिन सूर्य दोबारा उसी जगह पर जाता है जहां कल रात उन लोगों ने उस पर हमला किया था। वहां उसे धर्मराज का टूटा हुआ लॉकेट दिखाई देता है, इसलिए वो गांव वालों से धर्मराज के बारे में और जानकारी निकालता है।
जहाँ सारे लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब सूर्य उसके घर जाता है तो उसे वहाँ कई सारी एंटीक मूर्तियाँ दिखाई देती है। और वो जब इसके बारे में किसी एक्सपर्ट से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वो सारी ऐसी एंटीक मूर्तियों की रेप्लिका है जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत करोड़ों में है, और अभी के टाइम पर ओरिजिनल मूर्तियां लापता है। ये जानकर सूर्य को धर्मराज पर थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है कि शायद वो मूर्तियों को ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करता है। अगले सीन में नीला का एक साथी कमल रात को उसी जंगल में आता है, पर तब वहाँ पर वो अनजान लोग उस पर हमला कर देते हैं जिससे उसकी जान चली जाती है। ये देखकर दोबारा सभी लोग घबरा जाते हैं कि एक और इंसान मारा गया। सूर्य नीला और बाकियों से पूछता है कि किसने कमल के बिहेवियर में कोई बदलाव देखा था आजकल, शायद वो मतलब परेशान हो या कोई दूसरी बात, मतलब कोई ऐसी बात जिससे वो रात में जंगल में गया हो। तब एक लड़की कहती है कि कमल ने कहा था उसने मंदिर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और इसके बारे में वो बॉस से बताने को जा रहा है, पर तब से मैंने उसको नहीं देखा जब से वो गया। और एक और चीज है कि तब से बॉस भी लापता है। अब यहाँ ये सीन कुछ टाइम पहले के समय पर मुड़ जाता है जहाँ कमल बोस को मंदिर के अंदर जाने वाले रास्ते के बारे में बताता है। अब ये सुनकर बोस उसे कहता है कि किसी को इसके बारे में मत बताना, जिसके बाद रात को बोस अकेले ही उस जगह जाने के लिए निकलता है जिसके बारे में कमल ने उसे बताया था। अब ये देखकर कमल भी उसका पीछा करने लग जाता है ताकि देख सके कि आखिर बोस कहां जा रहा है, पर तभी दुर्भाग्य से अनजान लोग उसकी जान ले लेते हैं। अगले सीन में सूर्य अपने बाकी पुलिस वालों के साथ स्टेशन आता है जहाँ पर नटराज की मूर्ति होती है, लेकिन जब वो और नीला ध्यान से उस मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो वो मूर्ति नहीं है जो उन्होंने जमीन से निकाली थी, बल्कि ये तो उसकी रेप्लिका है, असली तो कहीं गायब हो गई है, जिससे किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इसे किसने बदला होगा। अब सूर्य अपने सीनियर ऑफिसर के पास आकर उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाता है कि जहां तक मुझे लगता है जितने भी लोग रात को निकलने की वजह से मारे गए उन्हें धर्मराज और उसके साथियों ने मिलकर मारा है। वो असली आर्टिफैक्ट को ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करते हैं और उसके बदले उसकी जगह पर रेप्लिका रख देते हैं, और इसमें उनका साथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड चक्रवर्ती भी दे रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से ये आइटम देश के बाहर तो जा नहीं सकते जब तक कि चक्रवर्ती क्लियरेंस सर्टिफिकेट पास न कर दे तब तक। रही बात बोस की, तो मुझे उस पर शक है पर कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो धर्मराज और चक्रवर्ती से मिला हुआ है। अब ये जानकर सीनियर ऑफिसर सूर्य के इस काम की काफी तारीफ करता है, जिसके बाद सभी बदमाशों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू किया जाता है। इधर धर्मराज और चक्रवर्ती ने बोस को मंदिर के अंदर बंदी बनाकर रखा होता है, जहां वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पूरे गांव वालों को हमारे प्लान के बारे में पता चला है, हमने तुम्हें सिर्फ मंदिर का ढूंढने का काम दिया था, तुम तो इसकी सच्चाई दुनिया को बताने वाले थे, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। दरअसल बोस धर्मराज और चक्रवर्ती के प्लान के बारे में जानता था कि वो लोग हनुमंतापुरम मंदिर की कीमती चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे, पर बोस इसके खिलाफ था कि ये सारी चीजें इतिहास से जुड़ी हुई है, इन्हें बेचना नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में लगाए हुए पैसे चक्रवर्ती और धर्मराज के थे, इसलिए बोस मंदिर की जानकारी को तो निकालना चाहता था लेकिन कीमती चीजें उनके हाथ नहीं लगने देना चाहता था। इसी वजह से उसने कमल को मना कर दिया कि इसके बारे में किसी को ना बताएं, पर कमल को लगा कि बोस कुछ गड़बड़ी करने वाला है इसलिए वो उसका पीछा करने लग गया, पर धर्मराज और उसके साथियों ने उसे मार डाला। दूसरी ओर सूर्य और नीला गांव के एक लापता बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं जिसका असल में धर्मराज ने अपहरण किया है। तभी वहां की जमीन फट जाती है जिसे सूर्य और नीला दोनों मंदिर के अंदर गिर जाते हैं, जहां धर्मराज उस लड़की के साथ बोस को भी मारने वाला होता है, इसलिए सूर्य सभी बदमाशों से लड़ना शुरू करता है। तभी सूर्य से लड़ने के लिए वहां पर कुमार आता है। ओह, इसके पास नंदी वर्मन की तलवार है, यानी कि ये भी धर्मराज के साथ मिला हुआ है, और इसने प्रशांत, कमल और इनबा को तलवार से मारा था ताकि कोई भी उनके ब्लैक मार्केट के बिजनेस के बारे में ना जान पाए। लेकिन तब सूर्य कुमार से वो तलवार लेकर उसकी हिचान ले लेता है, जिसके बाद पूरा मंदिर टूटना शुरू हो जाता है जिसमें धर्मराज और चक्रवर्ती दोनों मारे जाते हैं, लेकिन सूर्य, बोस और बाकी बाहर आने में सफल हो जाते हैं। यानी कि आज भी नंदी वर्मन की आत्मा अपने गाँव और वहाँ के लोगों की मदद करती है, इसीलिए उस बच्ची की माँ की प्रार्थना की वजह से नंदी वर्मन ने सूर्य और नीला को उस मंदिर में जाने का रास्ता दिखा दिया ताकि उस बच्ची को बचा पाए। साथ ही सूर्य जब जमीन फटने की वजह से गड्ढे में गिरा था तब नटराज की मूर्ति ने उसकी जान बचाई थी। इन सब से जाहिर होता है कि नंदी वर्मन की आत्मा आज भी उस गांव में मौजूद है और वो नहीं चाहती कि कोई उस मंदिर को नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसने उस मंदिर को दोबारा उसी तरह से जमीन में छुपा दिया। और अब मूवी के आखिर सीन में सूर्य सभी ओरिजिनल आर्टिफैक्ट को जब्त कर लेता है जो स्मगल किए जाने वाले थे उन्हीं को, तो वहीं गांव वाले बड़े खुश होते हैं कि सारे बदमाश मारे जा चुके हैं और अब वो रात को भी आराम से घूम सकते हैं। और इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहां पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।